नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संक्रमण के बढ़ते मामले से निपटने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। हेमंत सोरेन ने लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ साथ बाहर रह रहे श्रमिकों के लिए भी जल्द मदद करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अपने स्थान पर सुरक्षित रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार अब 18 अप्रैल तक वज्रपात और वर्षा होने की संभावना है। कल पलामू जिला के हुसैनाबाद के एक 12 वर्षीय युवक का मौत वज्रपात से हो गई है। खबरों के अनुसार अचानक बेमौसम बारिश होने लगी। रांची के हिंदपीढ़ी से एक और संक्रमित मरीज मिलने की खबर है। झारखंड में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 28 हो चुकी है। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई। साथ ही सिमडेगा में 25 लोगों को क्वार्टराइन में रखा गया। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 11,933 पर पहुंच चुका है। होल्डिंग टैक्स पर 10% के छूट के साथ समय अवधि भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। खबरों के अनुसार राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 का टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर सकेंगे। टैक्स जमा करने पर फाइन नहीं देना होगा, साथ ही 10% तक की छूट भी दिया जाएगा। इसकी जानकारी मेयर आशा लकड़ा ने दी। किसानों के धान अधिप्राप्ति का पैसा जल्द भुगतान करने को लेकर अंजुर मुंडा ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। उन्होंने कहा कि इस संकट में किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। 2 माह हो जाने पर भी धान का पैसा नहीं मिला है। किसानों का पैसा जल्द भुगतान किया जाए। प्रवासी मजदूर और बाहर फंसे मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें। सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी मजदूरों को DBT के माध्यम से जल्द 2,000 रुपये देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मदद के लिए कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क करें। मैट्रिक व इंटर की कॉपी जांच अभी शुरू नहीं हुई है। जैक ने मई माह के अंत में रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। ऐसे में अब कॉपी जांच की प्रक्रिया 3 मई के बाद शुरू किया जाएगा और रिजल्ट 7 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। झारखंड में भू धंसन से कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके। खबरों के अनुसार धरती फटने और धंसने की खबर सामने आई है। रांची समेत विश्रामपुर पंचायत के जामुन दोहर बस्ती में यह घटना हुई है। लॉकडाउन 2.0 के दौरान झारखंड में 20 अप्रैल के बाद कुछ सरकारी विभाग में कामकाज शुरू होगी। कुछ शर्तों के साथ विभागों में काम होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। इस दौरान वन विभाग को भी छूट मिलेगा। स्कूल ट्यूशन व बस फीस माफ कराने को लेकर शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया। खबरों के अनुसार ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन के कारण अभिभावक न तो कोई काम कर पा रहे हैं, न ही कोई बिजनेस चला पा रहे हैं। ऐसे में फीस देना मुश्किल होगा, जो कि माफ़ किया जाए। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।